प्यार हो गया। डॉक्टर साहब, ये मेरा भाई, देखिए भाई, आवाज, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर, डॉक्टर, चेक चेक कीजिए ना प्लीज। आवाज, कुछ नहीं होगा तुझे। He's no more. Sorry. वाइफी, तुम्हारे लिए स्पेशल सैंडविच तैयार है। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ हाँ, हूँ ना, बहुत ज्यादा खुश हूँ। अवनी, देखो ना, इतनी कोशिशें बेकार जाने के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। आभास सब कुछ ठीक कर देगा अवनी। हाँ राज, आभास भाई ने मुझे भी प्रॉमिस किया कि सब ठीक हो जाएगा। लो ना। आप इसे बचा तो सके नहीं, सब क्यों मना कर रहे हैं, हमें क्यों रोक रहे हैं? देखिए आप शांत हो जाइए, हमने पुलिस को बुलाया है, कुछ ही देर में वो लोग आते होंगे। मेरा भाई मरा है डॉक्टर। कैसे डॉक्टर है आप, मेरे भाई को नहीं बचा सके और शांत रहने के लिए कह रहे हैं? मुझे बेहद अफसोस है मिस्टर खंडेलवाल, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे सबसे पहले ये पता लगाना है ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये मेरे भाई को मारा गया, मर्डर हुआ है मेरे भाई का, और इसके पीछे हाथ है उस राज पुरोहित का। आखिरी बार मेरा भाई उसी से मिलने गया था, उसी कमीने से। आप उस राज को गिरफ्तार कीजिए, सख्ती से पूछताछ कीजिए उससे, सब बता देगा। देखिए आप शांति रखिए, हम मामले के तह तक जाएंगे। माफ कीजिए, हमें बॉडी का पोस्टमार्टम करना हो, उसके बाद ये बॉडी आपको हम सौंप देंगे। लेके चलो।
नहीं है, ये सच नहीं है। आभास, उठ जा। आभास, आभास उठ। मैं क्या जवाब दूं साहब? मैं तो जिंदगी भर इसे टोकता, मैं अपने बेटे को नालायक कहता, मुझे तो मौका भी नहीं मिला कि मैं अपने बेटे को बता सकूं कि मैं इससे कितना प्यार करता। देख मेरी बदनसीबी, मैं अब इसे कभी नहीं बता पाऊंगा साहब। भाभी, भाभी को पता चलेगा तो पर क्या गुजरेगी भैया? वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कौन बताएगा उनको भैया, कौन बताएगा? देख, मैं नहीं बता सकता कि मैं उसके उसके बेटे को बचा नहीं पाऊंगा। सावरी ने, तू मुझ पे एहसान कर, तू भावना को बता। नहीं भैया, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा भैया। मैं नहीं बता सकती भाभी को। भाभी ने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है। एक माँ को एक खबर मैं नहीं दे सकती प्रताप जी। मुझे बख्श दो भैया, मुझे बख्श दो। मुझसे नहीं होगा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। अवनी, जा माँ को बुला ले। तूने उठा दिया तेरे भाई के लिए स्वेटर बुन रही थी दो दिन पहले ना, जब आभास घर से निकल रहा था तो मुझे एहसास हो कि सर्दियां शुरू हो गई। आभास को ठंड भी तो ज्यादा लगती है ना। इस घर में एक तू और आभास तो है जो मुझे गलत नहीं समझते हैं। मुझे ना स्वेटर दो दिन में पूरा करना है। ये देख कि कलर उस पे जैसे अपनी क्या हुआ? रो क्यों? क्या हुआ उसे? वो केजी पे फिर से उसे डांट रहे हैं।
वो देर से आया होगा, मैं आज उसके जी को बोल दूंगी कि मेरे बच्चे को ना डांट कर, तू रो मत, चल चल हर वक्त मेरे बच्चे को तू छोड़, मैं आज बात करके ही रहूंगी। सावरी प्रताप जी, अच्छा हुआ तो तुम आ गई। पिता ननिहाल गए है ना, घर संभालने वाला कोई नहीं है, और के जी आप भास पे गुस्सा कर रहे हैं, तुम उसके लिए कचौड़ी बनाओगी और तीखी बनाना, उसे बहुत पसंद है। मैं तब तक जुके जी से बात करके आती हूँ। सुके जी, मैं जानती हूँ कि आप सब मुझसे नाराज हैं, लेकिन अपना गुस्सा आप भास पर मत निकालिए। केती प्लीज प्लीज आप भास को कुछ मत कहिए, मैं जानती हूँ कि वो बहुत प्यार करता है आपसे और इस परिवार और आपके लिए तो वो जान भी दे सकता है। कहाँ आपने उसे घर से निकाल दिया? बताइए आवाज। आभास, क्या हुआ तुझे? आभास, क्या हुआ? कुछ तो बोल, मैं तो तेरे लिए सुनने भूल रही थी। आभास, तू मुझे चुप के नहीं जो उठ, उठ, मैं कहती हूँ उठ, मैं कहती हूँ उठ, आभास, उठ। बाबूजी को खबर दे दी है मैंने, सुबह तक पहुंच जाएंगे, फिर अंतिम संस्कार के लिए पंडित को बुलाना होगा। हाँ बस, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है,
मैं जानना चाहता हूँ कि राज के खिलाफ उन्हें क्या सबूत मिले। वो बचता नहीं चाहिए, वो बचता नहीं चाहिए, बचता नहीं चाहिए। एरिया देखो, चप्पे चप्पे को छान मारो, वारदात का कोई ना कोई सबूत यहाँ कहीं जरूर होगा। चलो जल्दी देखो, चलो तलाशो जल्दी। बस यो ही एक तरीका था अपने आप को बचाने का। सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। एक तीर दो शिकार। अरे मॉम, अरे आप पूजा करेंगी? जीजी कहाँ पे? जीजी गई है पूजा के साथ, कुलदेवी के मंदिर गई है इस घर की सुख शांति की मन्नत मांगने के लिए। ग्रेट, ये लो मॉम, पूजा की दाल तैयार है। वैसे आज सूरज किस तरफ से होगा था, तुम और ये सर? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा मन कर रहा था कि आपको पूजा में साथ दूं। ओ जी मॉम, इसे कुछ इम्पोर्टेंट मांगना होगा रब से आज। अरे नहीं नहीं, ये भी तो हो सकता है कि बिन मांगे कुछ मिल गया हो और थैंक यू बोलना चाह रहे हैं। नो डैडा भाई, आज सारा ऑलमोस्ट सारा परिवार पूजा के लिए यहाँ मौजूद है, ये भी किसी चमत्कार से कम थोड़ी है। फूल वाला, अभी तो लेट के सो गए आज। लेट आए तो कोई बात नहीं, कम से कम पूजा के लिए टाइम से तो आए। लाओ। माफ करना जी, आज देर हो गई और फूल भी कम है। वो खंडेलवाल जी, उनके यहाँ से अर्जेंट ऑर्डर आ गया था तो। क्यों भाई, उनकी बेटी की शादी पक्की हो गई क्या? नहीं जी, असल में उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ जी। कल रात उसकी मौत हो गई जी। तुम्हें पक्का पता है आभास जी? कुछ पता चला? आपका शक बिल्कुल सही निकला। ये देखिए राज का वॉलेट, ये हमें उसी पहाड़ी पे मिला। जो भी सबूत मिले वो इसी तरह इशारा करता है कि इस खून में राज का ही हाथ है। ये आवाज के साथ क्या हो गया?
गिरफ्तार कर लीजिए इस इंसान को। He's a bloody murderer। इसने मेरे भाई का खून किया।